हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिर चैनल। दोस्तों, आज मैं ओवरयूज चोटें, इसे एथलेटिक इंजरी भी बोला जाता है, उसके बारे में बता रही हूँ। इसके पहले अन्य चोटें के बारे में मैं 5 वीडियो बना चुकी हूँ, ये आपका 6वां वीडियो है इंजरी के बारे में। तो दोस्तों, ओवरयूज चोटें वे चोटें होती हैं जो एक ही अंग के बार बार प्रयोग होने से उस अंग की संबंधित जो भी मांसपेशी, टेंडन, हड्डी आदि होती है उसमें जब चोट आ जाती है बार बार प्रयोग करने से, यानी ओवर यूज होने से जो इंजरी आती है उसी को हम कहते हैं ओवर यूज चोटें। इसको दूसरे नाम से एथलेटिक इंजरी भी बोला जाता है। जैसे इसके अंतर्गत स्ट्रेस फ्रैक्चर, प्लांटर फैसाइटीज, एचिलीज टेंडनाइटिस, इंटीरियर लेग पेन, टेनोसाइनोवाइटिस, ब्रसाइटिस, ये चोटें आती हैं। तो दोस्तों, इसमें मैं स्ट्रेस फ्रैक्चर, टेनोसाइनोवाइटिस, ब्रसाइटिस, इसके बारे में पिछले वीडियो में हड्डी की चोटों एवं मुलायम ऊतकों की चोटों के अंतर्गत बता चुकी हूँ। इसमें मैं आज प्लांटर फैसाइटिस, एचिलीज टेंडनाइटिस एंड इंटीरियर लेग पेन, इन तीनों के बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले बात करती हूँ प्लांटर फैसाइटिस। दोस्तों, पैरों के तलुओं को प्लांटर बोला जाता है। पैरों के तलुओं यानी कि 16 फुट, यानी पैरों के तलुओं का बार बार प्रयोग होने से क्या होता है कि तलुओं यानी प्लांटर ऑफ फैसिया फैसिया में सूजन, दर्द तथा जलन होने लगता है बार बार यूज होने से। और इसमें एड़ी की हड्डी जो कैल्केनम होती है, एड़ी की हड्डी का नाम कैल्केनम है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो उसके आगे एड़ी की हड्डी कैल्केनम के आगे का जो भाग होता है, गोलाकार भाग, मेटाटार्सल हड्डी, उसके बार बार खिंचाव या जमीन पर लगने से यह चोट उत्पन्न होती है। तो इसी को कहते हैं प्लांटर फैसाइटिस। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्लांटर फैसाइटिस में क्या होता है, तो मेटाटार्सल हड्डी के बार बार प्रयोग होने से या खिंचाव या जमीन पर लगने से यह चोट उत्पन्न होती है, जिससे उसमें सूजन, दर्द और जलन होने लगता है। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। दूसरा है एचिलीज टेंडनाइटिस या एकलिस टेंडनाइटिस। दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यह बार बार हमारे दिमाग से उतर जाता है कि एकलिस टेंडनाइटिस क्या है। इसमें क्या होता है कि खिलाड़ी में पाई जाने वाली सामान्य चोट है, क्योंकि बार बार हर एक खिलाड़ी में ये सब चोटें आ जाती हैं। जैसे कि मान लीजिए दौड़ने व कूदने के कारण, या दौड़ रहे हैं या कूद रहे हैं, दौड़ने व कूदने के कारण हमारे कॉफ मांसपेशी कहाँ है, घुटने के नीचे पिछले वाला जो उठा हुआ होता है, पिछले जांग में, जांग के नीचे जो गैस्ट्रोनेमीय पेशी होती है उसी को कॉफ पेशी कहते हैं। तो कॉफ, जब दौड़ने या कूदने के कारण कॉफ पेशी तथा एड़ी से जुड़ी हुई टेंडन, कॉफ पेशी और एड़ी से जुड़ी हुई जो टेंडन होती है उसी को एचिलीज टेंडन कहते हैं। एड़ी से जुड़ी है एचिलीज टेंडन। तो दौड़ने व कूदने के कारण काफ पेशी तथा एड़ी से जुड़ी हुई टेंडन, जिसका नाम है एचिलीज टेंडन, में दर्द, जलन व सूजन होता है, तो उसी के नाम से इसको कहा जाता है एचिलीज टेंडनाइटिस। ठीक है, एचिलीज टेंडनाइटिस, जैसे कि इसका नाम है एचिलीज टेंडनाइटिस, तो होगा क्या, टेंडन यानी टेंडन में जोड़ों पर दर्द, जलन, सूजन होता है टेंडन में। तो टेंडन में किस टेंडन में, एचिलीज टेंडनाइटिस यानी एड़ी की जुड़ी हुई जो टेंडन होता है उसको एचिलीज टेंडन कहते हैं, इसका इसीलिए इसको कहा जाता है एचिलीज टेंडनाइटिस, उसमें जलन, दर्द और सूजन होने से। नेक्स्ट है एंटीरियर लेग पेन। दोस्तों, इसमें जो वैज्ञानिक भाषा का प्रयोग होता है, जैसे कि एंटीरियर मतलब आगे होता है, पोस्टीरियर मतलब पीछे होता है। तो एंटीरियर लेग पेन
तो इसमें क्या कहा था, इंटीरियर लेग पेन को सीन पेन या सीन स्प्लिंट भी बोला जाता है। इसको आप विशेष रूप से ध्यान में रखिए, क्योंकि क्वेश्चन टेक्निकल रूप से पूछा जाता है, पूछेगा कि सीन पेन किसे कहा जाता है या सीन पेन के नाम से किस चोट को जाना जाता है। तो इंटीरियर लेग पेन को सीन पेन या सीन स्प्लिंट बोला जाता है। इसको क्या क्या बोला जाता है, खिलाड़ी के अनुकूलन, खिलाड़ी के अनुकूलन में न रहने के कारण, नए खेल खेलने, नए जूते पहनने, मैदान की सतह कठोर होने या प्रशिक्षण की तीव्रता है, मतलब हाई इंटेंसिटी है, प्रशिक्षण बहुत जल्दी दिया जा रहा है या प्रशिक्षण बहुत अधिक होने के कारण यह चोट लगती है। इस चोट में पैरों की टिबिया हड्डी के पास स्थित टिबियोलिस में दर्द का आभास होता है। टिबिया हड्डी के आगे, ठीक है, टिबिया हड्डी के पास की स्थित टिबियोलिस में दर्द का आभास तथा इंटीरियर या पोस्टीरियर टिबिया पेशी में सूजन तथा दर्द बना रहता है। इंटीरियर या पोस्टीरियर टिबिया पेशी का मतलब टिबिया हड्डी के आगे इंटीरियर, पीछे पोस्टीरियर, दोनों में सूजन तथा दर्द बना रहता है। इसी को हम कहते हैं एंटीरियर लेग पेन। दोस्तों एंटीरियर लेग पेन को बारे में आपको विशेष रूप से ध्यान आवश्यक है। जैसे कि ये क्या होता है, जो अगर आप कोई नए खेल खेल रहे हैं, नए जूते पहन रहे हैं और मैदान की सतह कठोर है, प्रशिक्षण की तीव्रता है, जल्दी जल्दी तीव्रता प्रशिक्षण दिया जा रहा है, अधिक प्रशिक्षण का अधिक होने से आवश्यकता से, उसके कारण हमारे पैरों की टिबिया हड्डी के पास की टिबियोलिस में दर्द का आभास होता है, या इंटीरियर तथा पोस्टीरियर टिबिया पेशी में सूजन तथा दर्द बना रहता है, इसी को इंटीरियर लेग पेन कहा जाता है। तो दोस्तों ये था ओवरव्यू चोटों के बारे में, जिसे एथलेटिक्स इंजरी भी बोला जाता है। आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये जितने भी इंजरीज के पार्ट है वो वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, जिससे मुझे एक नया मोटिवेशन मिल सके, जिससे मैं जो भी टॉपिक्स बचे हुए हैं उसको मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकूं। तो दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।